अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूँ। नंबर एक तो ये है कि आप उमरा किस तरह करेंगे, उमरा के आपको फराइज और उमरा के वाजबात बताऊंगा, मुख्तसर सी बहुत ज्यादा मालूमाती वीडियो है। नंबर टू पे आपको बताऊंगा मीकात कौन कौन से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से मीकात मुकर्रर किए हुए हैं, जहां से अगर आप उस हदूद से क्रॉस करेंगे तो आपको उमरा की नियत करना हराम बांधना जरूरी होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊं कि उमरा में दो फर्ज हैं और दो वाजबात हैं। अगर आप फर्ज अदा नहीं करेंगे तो आपका उमरा अदा नहीं होगा, अलबत्ता अगर वाजबात अदा नहीं करते तो आपका उमरा अदा हो जाता है, लेकिन बाद में आपको दम देना पड़ता है, बकरा की कुर्बानी करनी पड़ती है, दम के हिसाब से आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। उमरा के दो फराइज में से पहला फराइज ये है कि आपने मीकात से अहराम बांधना और उमरे की नियत करना होता है, और उमरे का जो दूसरा फर्ज है वो ये है कि आपने बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करना होता है। तो ये दो उमरे के फराइज हैं, एक मीकात से अहराम बांधना उमरे की नियत करना, दूसरा अहराम की हालत में आपने बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करना। उसके बाद आपको पता है कि दो नवाफल अदा करते हैं, और जो दो वाजबात हैं उसमें से एक वाजबात तो सही करना है सफा और मरवा के जो सात चक्कर लगाते हैं। नंबर टू पे होता है हलक या कसर करना, मतलब सार के बाल मडवाना या सार के बाल कतरवाना, ये दो वाजबात में से हैं। जब आप ये चारों अदा कर लेते हैं तो आपका उमरा मुकम्मल हो जाता है। अब बात आती है मीकात की, मीकात कहाँ कहाँ वाकया है, कौन कौन से है। याद रखिएगा कि मीकात उस जगह का नाम है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है। जो शख्स भी किसी भी गर्ज से, कारोबार की, तजारत के, किसी को मिलने की, किसी भी गर्ज से आता है और उस मीकात से गुजरेगा तो उसके लिए जरूरी है कि वहां से अहराम बांधे, उमरे की नियत करे, उमरा अदा करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उस पर गुनाह होगा। सबसे पहला मीकात है ज़ुलहुलैफा का मीकात। ज़ुलहुलैफा आपको पता है कि मदीना शरीफ से जब निकलते हैं 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर ज़ुलहुलैफा मकाम आता है, यहां से भी आप अहराम बांधते हैं, उमरा की नियत करते हैं। ये बहुत ही अहम मीकात है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए यहां से अहराम बांधा था, और ये मक्का पाक से तकरीबन 400 या 410 किलोमीटर के फासले पर है। नंबर टू पे मीकात है कर्नुल मनाजिल। कर्नुल मनाजिल जो मीकात है ये तकरीबन ताइफ और रियाज के करीब वाकया है और मक्का पाक से 80 किलोमीटर के फासले पर है। जो भी इस मीकात की हदूद से गुजरेगा वो भी अहराम लाजमी बांध के उमरा की नियत करेगा। नंबर थ्री पे आता है यलमलम। यलमलम जो मीकात है ये अहले यमन वाली साइड से जो लोग आते हैं, इवन के हम पाकिस्तानी इंडियन जब जहाज में बैठे होते हैं तो यलमलम मीकात को ही हम क्रॉस करते हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट पहले जहाज के अंदर ही अनाउंसमेंट होती है मीकात आने से पहले कि आप उमरा की नियत कर लें, हराम बांध लें। तो ये यलमलम जो मीकात है यहाँ से ही हम गुजर रहे होते हैं। नंबर फोर पर आता है दहात। ये इराक वालों के लिए है और तकरीबन हरम शरीफ से 92 किलोमीटर के फासले पर है, और शाम, मिस्र और अहले मगरब के लिए जो मीकात है वो अलजोफा मीकात है, जिसकी जगह पर अब राबी मीकात जो है यहाँ से अहराम बांधा जाता है, क्योंकि अलजोफा मीकात जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर आबादी हो चुकी है और बिल्कुल इसके पास ही राबी मीकात है। अहले मगरब और अहले शाम और अहले मिस्र इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पाकिस्तानी इंडियन अगर शाम मिस्र वाली साइड से आता है तो वो भी यही मीकात इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा जो अहले हिल हैं ये इन लोगों को बोला जाता है जो मीकात के अंदर ही मौजूद होते हैं, और अफाकी वो होते हैं जो मीकात से बाहर होते हैं। फ्रेंड्स, मुख्तसर सी मगर बहुत ज्यादा मालूमाती वीडियो थे, दूसरों तक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद लेटेस्ट आने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।